रियली तो प्लीज हमारे ऊपर रहम कीजिए और आपके वर्कआउट वीडियोस बंद कर दीजिए. एंड द ओनली रीजन वी चूज टू जोक एंड लाफ बिकॉज आई थिंक वी आर अमंग फ्रेंड्स एंड वी आर अमंग फैमिली. एंड यू नो व्हाट सारा, सी यू आर नॉट रिलेवेंट एनी मोर फारा, आई एम इवन फॉरगेटिंग योर नेम. सो सारा तो बहुत कुछ कर रही है पर फारा यू नो व्हाट, एक बार आशुतोष ने इसको इसके लेम भाई को चुप करवाया था. Tell me when I can speak, Ashu. Shut up, Sajid. और मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है. I am Farah Khan और सब लोग वीडियोस बना रहे हैं इसलिए मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बनाऊं और in the interest of public health and safety, my video saying that please मेरी humble request है सारे celebrities और stars से कि please stop making your workout videos and bombarding us with it. I can understand that y'all are privileged and you don't have any other worries in this global pandemic except for looking after your figures. But some of us, most of us, have bigger concerns during this crisis. Really? So please, हमारे ऊपर रहम कीजिए और आपके workout videos बंद कर दीजिए. And if you can't stop, then please don't feel bad if I unfollow you. Stay safe. Unfollow you. ये कौन है भाई? भाई इसको सहते कैसे हैं यार लोग? ये समझ नहीं आ रहा इसको 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 वर्कआउट से नफरत क्यों है? क्या ये कटरीना से तो नहीं चल रही? नहीं मुझे लग रहा है बस सठिया गई है. वैसे एक बार आशुतोष ने इसको इसके लेम भाई को चुप करवाया था. पर्सनल रिमार्क्स कैन बी मेड इवन बाय मी. Fun can be made even by me. You should go ahead, Ashu. No, Sajid. I won't. There's a difference. It's a TV show. Sorry. Don't interrupt. You cannot make fun of a star on this podium. Tell me when I can speak, Ashu. Shut up, Sajid. और मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है. तो गाइज वेलकम टू पीपल फेम. और पहले तो मैं आपने जैसा देखा ही जो फारा ने बोला और मैं तालियां बजाना चाहूँगा जो फारा ने बोला बिकॉज जो उन्होंने बोला वो वही बोल सकता है जो कि या तो सठियाया हुआ हो चाहे जिसमें शायद जिसके दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी हो. बिकॉज ये जो टाइम्स है ना गाइज इस टाइम में लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है. इस टाइम पे लोगों को इंस्पिरेशन की जरूरत है. लोग डरे हुए बैठे हैं घर में. लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये लाइफ जो इतनी मूवमेंट से भरी हुई है इतना सब कुछ है हम सोशल एनिमल्स हैं अब ये घर में जब लॉकडाउन हो गया वो भी 21 दिनों के लिए इंडिया में तो कैसे इससे लड़ा जाए और क्या करा जाए. लोगों को एक तरह से फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ रही है फ्रेश बिगनिंग करनी पड़ रही है. इस वक्त अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. पर यहाँ अब फरा कुछ और ही बोल रही हैं. प्लीज हमारे ऊपर रहम कीजिए और आपके वर्कआउट वीडियोस बंद कर दीजिए. जो कि समझ नहीं आ रहा और लग रहा है कि वो सठिया गई हैं जल्दी सठिया गई हैं जबकि उम्र उनकी हुई नहीं है अभी. एंड इफ यू कांट स्टॉप देन प्लीज डोंट फील बैड इफ आई अनफॉलो यू. पर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो किसी एक इंसान से जेलस हैं और जेलसी में आकर वो ये बोल रही हैं या व्हाट आई थॉट वी डू टुडे इज आई एम गोना बी डूइंग माय वर्कआउट फ्रॉम होम. यास इज गोना बी डूइंग इट फ्रॉम हर हाउस एंड वी आर गोना डू स्प्लिट स्क्रीन. या वो अपने दिमाग में बत्ती लगा के घूम रही हैं तो समझ नहीं आ रहा. आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है जेलस हैं या दिमाग में बत्ती लगा के घूम रही हैं. और ट्वीट किया क्या उन्होंने द बिगर एपिडेमिक वर्कआउट वीडियोज डोंट मेक मी फील वर्स प्लीज. और उसके ऊपर उन्होंने ये भी बोला कि नहीं तो मैं अनफॉलो कर दूंगी. तो फरा एक बात बताइए इस वक्त जब इंसान को इंस्पिरेशन की जरूरत है जब एक इंसान को मोटिवेशन की जरूरत है जब कोई सिगरेट की वीडियोज नहीं कर रहा एल्कोहल के वीडियो नहीं कर रहा तंबाकू के वीडियो नहीं कर रहा कोई नेटफ्लिक्स नहीं खेल रहा कोई गेम नहीं खेल रहा कोई किसी को अब्यूज नहीं कर रहा कोई अपने पथेटिक जोक्स नहीं मार रहा. एंड द ओनली रीजन वी चूज टू जोक एंड लाफ बिकॉज आई थिंक वी आर अमंग फ्रेंड्स एंड वी आर अमंग फैमिली. पर वो क्या कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि आप घर पे बैठ के वर्कआउट कर सकते हैं. गाइज दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली गेट सीरियस अबाउट योर हेल्थ अबाउट योर बॉडी. जो आपका बॉडी है आपका टेंपल है जो आप बिल्कुल जिसको इग्नोर करते हैं बिकॉज आप बिजी रहते हैं हर चीज में. अब आपके पास टाइम मिला आप इस बॉडी के लिए कुछ करिए वर्कआउट करिए. तो गाइज हेल्थ
के बारे में अगर कोई जानकारी दे रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, मुझे नहीं लगता उससे बड़ी चीज इस वक्त कोई भी सुपरस्टार कर सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे माइंडफुलनेस हो, साधना हो, चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छी डाइट हो या एक्सरसाइज हो। आई थिंक इन तीनों से बढ़ के कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग आपको एंटरटेन भी कर रहे हैं या जो एंटरटेन करते करते जोक्स मार रहे हैं, जैसे सृष्टि, ओके आई एम बोर्ड इन अ हाउस एंड आई एम इन अ हाउस बोर्ड, bored in a house and I'm in a house bored, bored in a motherfucker in a house bored and I'm bored in a motherfucker in a house bored, bored in a house, bored in a house bored. Who are making such interesting funny videos, या rap करके कोई आपको motivate कर रहा है, एक अच्छा message दे रहा है कि आप बाहर मत जाइए, घर पे रहिए, party मत करो ना, travel मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, Netflix अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, या कोई आपको खाना बनाना सिखा रहा है, या कोई singing challenge कर रहा है, all this is good fun. All this is something which we need, which we really need. Because, guys, एक बात माननी पड़ेगी, आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा कि जो इंडियन इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, शुरू से इंडियन लोग जो हैं बहुत सुनते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं. तो अगर ये लोग आगे बढ़कर कर रहे हैं कुछ, तो उसमें गलत क्या है? और फारा, आप क्या अमिताभ बच्चन को भी अनफॉलो कर देंगे बिकॉज उन्होंने भी कुछ ये पिक्चर में कुछ ऐसा बोला है? तो एक बात बताइए ना फारा, कि आप ये जनरल कमेंट कर रही हैं किसी एक के लिए कर रही हैं या अमिताभ बच्चन के लिए भी कर रही हैं? And you know what, Sara? See, you're not relevant anymore, Farah. I'm even forgetting your name. What? So, Sara to bahut kuch kar rahi hai, par Farah, you know what? You know, there are so many people you might not know because you might not be aware. Kyunki agar aapko apne Bollywood connections ke saath aur aise karne se fursat mil jayegi, to aapko ye pata chalega kitne log aise bhi hain jo anxiety ke mareez hain, jinko fear aa jata hai, aur unko agar ye content mil raha hai, inspiration mil rahi hai aur ye bataya ja raha hai alag alag logo ke dwara ki bhai aap kya kar sakte hain, kya nahi kar sakte, to I think it's very very important. Mujhe to lagta hai har kisi ko ek fun wale videos, ek aise message provoking videos karne chahiye, motivate karna chahiye. Aur guys, it could be just maybe what maybe SRK or Salman or Akshay are doing, maybe in just angry way ki bhai ghar mein raho, bahar mat jao. तो हर चीज़ की ज़रूरत है, इस मैसेजिंग की बहुत ज़रूरत है. इनफैक्ट आप लोग ये नहीं करते आए हैं, आप लोगों ने इतना सोशल सर्विस नहीं किया, आप कॉजेस के लिए नहीं बोलते हैं. आई बिलीव जब कोई बोल रहा है, जब कोई कर रहा है, तो जेलस मत खाइए, उनको करने दीजिए. और स्पेशली जब वो हेल्थ की बात हो या माइंड की बात हो, ट्राई टू थिंक वाइज एंड स्टॉप कमिंग अप विद दिस ऑब्नॉक्शियस काइंड ऑफ ट्वीट्स एंड इंस्टा पोस्ट. बिकॉज यहाँ लोग कुछ बैठे हैं आप लोगों को कंडेम करने के लिए, आप लोगों की ऐसी हरकतों पर रिएक्ट करने के लिए. वो टाइम चला गया जब आप पतली गली से निकल लेते बहुत सारे कारनामे करके, पर अब नहीं. एंड द ओनली रीजन वी चूज टू जोक एंड लाफ बिकॉज आई थिंक वी आर अमंग फ्रेंड्स एंड वी आर अमंग फैमिली. अब नहीं. तो सारा, फारा, मेरे पास आपके लिए भी एक टिप है, एक आइडिया है. तो आपका फोर्टे डांस है ना, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग पैथेटिक एंड लेम जोक्स लाइक योर ब्रदर, आप ऐसा करिए, आप डांस के ट्यूटोरियल्स क्यों नहीं करते? फिर आपको जेलस भी नहीं होगी बिकॉज आपको भी कंटेंट मिलेगा देने को, आपको लोग कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, और आपका ध्यान इन वर्कआउट वीडियोस पे नहीं जाएगा. और कोई आपको, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ पूरी, आप डरो मत, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, कोई नहीं बोलेगा कि यू नो स्टॉप दीज डांस वीडियोज, स्टॉप दीज, अदरवाइज आई अनफॉलो यू. और अगर अनफॉलो कर भी दिया किसी ने तो क्या हो गया ना फरा, आप तो सोसाइटी के लिए कुछ करेंगी. तो आई वुड से स्टार्ट एट ए से भी, नहीं तो जो लोग हैं ना वो आपके इंस्टा पोस्ट पे और ट्विटर पोस्ट पे जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पे जाकर आपसे पूछने वाले हैं कि व्हेन आर यू स्टार्टिंग योर डांस वीडियोस फारा, अदरवाइज आई विल अनफॉलो यू. तो गाइज, व्हाई डोंट वी डू ऑल दैट एंड टेल फारा दैट ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये बेकार के ऑब्नॉक्शियस मैसेजेस का ज़माना नहीं है. जो अच्छा कर रहे हैं उनको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनको नमस्कारम मिलेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. और गाइज, आई लीव इट अप टू यू, आई रियली वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू इन कमेंट्स कि वॉट यू लाइक टू सी मोस्ट फ्रॉम दीज स्टार्स. आर यू लाइकिंग दीज डांस वीडियोज, म्यूजिक वीडियोज, एंटरटेनमेंट रैप वीडियोज लाइक कार्तिक, खाना बनाने वाले टिप्स या फिटनेस टिप्स? कौन सी चीज़ आपको बहुत इंस्पायर करती है? मेडिटेशन? वॉट एग्जैक्टली यू वुड लाइक टू सी? और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ, तो ज़रूर मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट्स में, या इंस्टा पे, या ट्विटर पे, या फेसबुक पे. एंड हु नोज, मैं भी ऐसा कुछ करूँ. एंड किसी के बाप में इतना दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं कि मुझे आके कुछ बोले, किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि मेरे को ये बोले कि स्टॉप दिस काइंड ऑफ स्टफ बिकॉज आई डू व्हाट आई वांट टू, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस. तो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, हुज साइड यू आर ऑन? क्या आप फारा के साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, या कटरीना के साथ हैं, या दिशा के साथ हैं, या अनिल के साथ हैं, या टाइगर के साथ हैं, या अमिताभ बच्चन साहब के साथ हैं? किसके साथ हैं आप?
जरूर बताइएगा। और गाइज मैं ऐसे रिएक्शंस लाता रहूंगा बिकॉज ऐसे लोगों को चुप करवाने के लिए कोई चाहिए ना। तो गाइज आई एम होपिंग दिस वीडियो गेट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ योर लाइक्स एंड योर कमेंट्स एंड योर लव। डू शेयर दिस इन योर कम्युनिटी और अपने इंस्टाग्राम से, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करिए जिससे ऐसे लोग चुप रहें और बस चुप रहें। और गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। जब सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए, उसके लिए घंटा दबाना बड़ा जरूरी है। और घंटे के सामने जो ऑल नोटिफिकेशन का चेकबॉक्स है उसको दबाना बड़ा जरूरी है, तो वो मत भूलिएगा। गाइज मैं जल्दी से फिर से लड़ूंगा ऐसे रिएक्शन में। तब तक के लिए शब्बा खैर खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम एंड स्टे होम स्टे सेफ। चीयर्स एंड गुड बाय।